हम लोगों ने क्या किया था, पार्ट वन में हमने क्या देखा था, सबसे पहले पार्ट वन में हमने फर्स्ट हम लोग लेसन कौन सा कर रहे हैं, लेसन नंबर 17, लेसन नंबर 17 क्या है, जर्नी ऑफ अ लेटर। जर्नी का मतलब मैंने पहले आपको बताया कि जर्नी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया ना जर्नी का मतलब क्या होता है, और पत्र का मतलब लेटर मतलब पत्र होता है ना, और जर्नी का मतलब होता है यात्रा, किसी भी चीज का यात्रा, ठीक है ना, हम लोग घूमने फिरने जाते हैं ना, उसके बाद होता है जर्नी। ओके, हमने फर्स्ट में देखा था जो हमने पार्ट वन किया था उसमें हमने कैसा देखा था कि हमको लेटर कैसे लिखना चाहिए, ओके, किस तरह हमको लेटर लिखना चाहिए। तो क्या सीखा था हमने, सबसे पहले सीखा था कि लेटर में हम लोगों को जिसको भेज रहे हैं उसका नेम होना चाहिए, उसके बाद उसका एड्रेस बिल्कुल प्रॉपर नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में उसका एड्रेस होना चाहिए, लास्ट में उसका पिन कोड नंबर भी होना चाहिए, और उसे भी तो उसका फोन नंबर भी लिख सकते हैं, है ना, हम अपना फोन नंबर भी लिख सकते हैं, तो जिससे ओके अगर सपोज कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमें पता चल सके। ओके, हमने देखा, अब सबसे पहले लेटर ने क्या बताया कि मैं एक लेटर हूँ, पार्ट वन में उसने बता दिया कि मैं एक लेटर हूँ, मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई उसने बताया कि भाई क्या हुआ, समीरा ने एक लेटर लिखा और उसे किसमें डाल दिया, पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, दैट पोस्टमैन ने क्या किया उसे बाहर निकाला, निकालने के बाद पोस्ट ऑफिस गया, लेटर वहां पर उसका स्टैंप लगा, कहां का स्टैंप लगा, जिस एरिया का वो था, इतना तो हमने किया ना, अब हम लोग करेंगे पार्ट टू में उसके आगे हम लोग करेंगे। ओके, हम जिसकी जर्नी के बारे में पढ़ रहे हैं लेटर की, क्लियर, जैसे हमारी होती ना वैसे लेटर भी अपनी जर्नी के बारे में बता रहा है। ओके, देखो, आफ्टर गेटिंग स्टैंप आई रीच अनदर ब्रीफ पैक, मतलब जब मुझे स्टैंप लगा दिया गया, जब मुझे स्टैंप लगा दिया गया, देन आई रीच, मैं दूसरे बैग में डाला गया, उसके बाद मेरे को क्या किया गया, लेटर क्या हो गया, पहले क्या हुआ, पोस्टमैन लेटर लेकर आया, उसने पोस्ट ऑफिस में दिया, वहां जो काम करते थे जो एम्प्लॉय थे उन्होंने उसे स्टैंप लगाया, स्टैंप लगाने के बाद मुझे क्या हुआ, ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो गया उसके बाद मुझे दूसरे बैग के अंदर डाल दिया गया। दिस बैग हैड मेनी मोर लेटर्स, दिस बैग हैड, मैंने पास की बात करी है इसलिए हैड वर्ड यूज हुआ है। ओके, तो उसने क्या बोला कि इस बैग के अंदर मेनी मोर लेटर्स, मेनी मतलब मेनी मतलब बहुत सारे, बहुत सारे, खूब सारे, मोर मतलब बहुत सारे, इसके अंदर बहुत सारे लेटर्स भी थे, मतलब मैं अकेला था नहीं, इसमें बहुत सारे लेटर भी थे। दिस बैग हैड मेनी मोर लेटर्स ऑल हैड फॉर अहमदाबाद, ये सारे लेटर्स जहां जाने वाले थे अहमदाबाद जाने वाले थे, जहां पर हम लोग रहते हैं वो सारे लेटर्स कहां पर आने वाले थे, अहमदाबाद जाने वाले थे। द रेड पोस्टल मैन ड्रॉप्ड मी एट द रेलवे स्टेशन, द रेड पोस्टल मैन, आपने कभी देखा है लाल कलर की उस पर लिखा होता है डाक घर, एक बैंक होती है रेड कलर की बैंक होती है उसके ऊपर लिखा होता है डाक घर, तो वो यही बता रहा है क्या बोल रहा है वो लेटर, द रेड पोस्टल मैन ड्रॉप मी एट द रेलवे स्टेशन, देयर आई गॉट इनटू अ ट्रेन गोइंग टू अहमदाबाद, मैं तो मुझे क्या हुआ कि वहां से मुझे ट्रेन, आई गॉट अ ट्रेन, मुझे ट्रेन, मुझे ट्रेन में मतलब ट्रेन भी तो नहीं गए थे ना, पहले मैंने बताया ये बात करती हुई पुराने समय की, पुराने अभी तो मोबाइल की फैसिलिटीज है और भी सारी एक्स्ट्रा है, हम लोग किसी भी तरह कर सकते हैं, लेकिन पहले के समय में अगर हम लोगों को एक दूसरे से बात करनी है, हाजिर अपने रिलेटिव के बारे में जानना है, हाँ, तो क्या होता था, लेटर ही माध्यम होता था, ठीक है, लेटर के द्वारा ही हो सकता था। ओके, सो द रेड पोस्ट ऑफ बैंड ब्रॉट मी एट द रेलवे स्टेशन, देयर आई गॉट इनटू अ ट्रेन गोइंग टू अहमदाबाद। ओके, आफ्टर अ जर्नी ऑफ वन डे, कितने दिन की जर्नी थी, वन डे आई रीच एट द, मतलब पूरे एक दिन की जर्नी के बाद मैं कहां पहुंच गया, रीच कर रहा मतलब पहुंचना, सो आई रीच अहमदाबाद, आई वाज शॉर्टेड एज अ फॉर एरिया मेंशन इन द मैप, फिर मुझे शॉर्टेड करना, शॉर्टेड करना तो अलग करना, शॉर्टेड करना दैट इज व्हाट, अलग करना, सो आई वाज शॉर्टेड एज फॉर द एरिया मेंशन इन द मैप, मेंशन जो उसने मेंशन किया हुआ था, लिखा हुआ था उस एरिया के हिसाब से हम सभी लेटर्स को अलग अलग किया गया। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे अहमदाबाद के, ये जैसे हमने ये लेटर दे
सकता है, ऊंचा केड़ा का हो सकता है ना, अलग अलग कुछ हमारे मटेरियल हो। तो ये जो हमारा एरिया एरिया वाइज इसको क्या किया, शॉर्टेड किया, अलग अलग किया गया है। ओके क्लियर। पार्ट थ्री में हम सारे जो प्रोसेस हमने पढ़े उसको एक बार फिर से रिवाइज करें।